नमस्कार दोस्तों, आपने कई बार न्यूज़पेपर की हेडलाइन या टीवी चैनल्स में सुना होगा कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया है। उनकी कई बार मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में भी आपने सुना होगा। आज हम आसान भाषा में इन्हीं शब्दों का मतलब जानेंगे, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, बैंक रेट और सबसे ज़रूरी MCLR क्या होता है। वन बाय वन हम इन सबको समझने से पहले ये जानते हैं कि भारत में बैंकिंग प्रणाली किस तरीके से काम करती है। भारत में एक बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वो भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करता है। भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में काम करने का मतलब है कि वो एक सरकार के बैंक के रूप में काम कर रहा है, ना कि जनता के लिए। हालांकि काम वो जनता के लिए करता है, लेकिन जनता से सीधे जमा या उधार देना उसका काम नहीं है। वो सेंट्रल बैंक हमेशा काम क्या करता है, जो भारत के बैंक है उनको कंट्रोल करना, उनको गवर्न करना और उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाना, कुछ नियम शर्तें लागू करना ताकि वो अच्छे से काम कर पाए, ये उसका काम रहता है। अब भारत के जो बैंक है वो किस तरीके से काम करते हैं, वो आम जनता से जमाएँ लेते हैं और जिनको ज़रूरत है उनको उधार देते हैं और इसी से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। अब भारत के बैंक जो जमाएँ लेते हैं उनका कुछ पार्ट उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के को जमा कराना पड़ता है। जैसे अगर भारत का बैंक अपने कस्टमर से 100 रुपये ले रहा है तो उसे जमा कराना पड़ता है आरबीआई को कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 4%, तो 100 रुपये का 4%, 4 रुपये आरबीआई को जमा कराना पड़ता है और यही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। यानी भारत का जो बैंक है उसको अपनी जमाओं का एक निश्चित हिस्सा जो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। डायग्राम के रूप में इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो बैंक है, मान लीजिए इसके पास 100 रुपये आए जमाओं के रूप में, तो ये पूरे 100 रुपये आगे उधार नहीं दे सकता। वो इस 100 रुपये का कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए 4 रुपये, अभी 4% चल रहा है इसलिए 4 रुपये, वो क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा कराएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा करा के बाकी जो बचा 96 रुपीज, वो आगे उधार दे सकता है लोगों को। अब आगे देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा भारत का सेंट्रल बैंक है, जो हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है, वो इस जमाओं पे कुछ ब्याज देता है और ये जो ब्याज है, इस ब्याज की जो दर है, ये वही दर है, उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। यानी क्या, इस तरीके से बैंकों ने कुछ जमा किया जिसे हमने CRR बोला, ठीक है, और जब बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों को जब कुछ इंटरेस्ट देता है उन जमाओं पे, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, क्या कहलाता है वो, रिवर्स रेपो रेट। यानी बैंकों को उनकी जमाओं पे आरबीआई द्वारा जो ब्याज जिस दर से दिया जाता है वो दर क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। अब आगे देखते हैं रेपो रेट। अब सिंपल सी बात है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इन दूसरे से विपरीत है। यानी रेपो रेट क्या हो गई कि जहाँ पे बैंकों को जो आरबीआई कर्ज देता है उस पे जो ब्याज चार्ज करता है वो कहलाती है रेपो रेट। यानी ये आरबीआई हो गया और ये बैंक हो गया। अब आरबीआई ने बैंकों को कुछ पैसा दिया, यानी कि कुछ मनी दी, और उसके बदले में जो बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट देंगे और वो जो इंटरेस्ट है वो जिस परसेंटेज में होगी वो परसेंटेज क्या कहलाएगी, रेपो रेट। वो दर जो है वो कहलाएगी रेपो रेट। अब आरबीआई से बैंकों को कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार बैंकों के पास पैसा नहीं होता है, एक दो दिनों के लिए शॉर्ट टर्म लोन उन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास जो है एडजस्टमेंट या अचानक से उनके पास डिमांड आ जाती है मार्केट में, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में आरबीआई उनकी मदद करता है और जब आरबीआई उनकी मदद करता है और उन्हें कुछ पैसे देता है तो ऑफकोर्स वह उनसे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, कुछ ब्याज भी चार्ज करेगा और उसी ब्याज की दर को हम कहते हैं रेपो रेट। अब बात करते हैं आगे स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है। अब जो भारत का बैंक है उनके ऊपर ये एक ज़रूरी है कि उनको अपनी कुल जमाओं का कुछ भाग तरल संपत्तियों के रूप में रखना आवश्यक होता है। अब सर, ये तरल संपत्तियाँ क्या होती है, तरल संपत्तियों को अगर हम एक इजी मैनर में समझें, एक बहुत आसान भाषा में समझें, तो ये वो संपत्तियाँ होती है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट की जा सके, आसानी से कैश में कन्वर्ट की जा सके, उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए कैश में कन्वर्ट करने से। जैसे कि भारत सरकार की जो
बॉन्ड्स होते हैं, भारत सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती है जिनमें भारत सरकार पैसा आपसे लेना चाहती है, इसके लिए वो क्या करती है, भारत सरकार आपसे वो प्रतिभूतियाँ जारी करती है, ठीक है, जिन्हें सिक्योरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, या ट्रेजरी बिल्स भी बोला जाता है, जो आरबीआई जारी करती है। तो ऐसे में वो क्यों जारी किया जाता है, ताकि सरकार जो है अपनी आम जनता से पैसे ले सके, उधार पे पैसे ले सके, और उन पे भारत सरकार जो है इंटरेस्ट भी देती है। तो ये तरल संपत्ति होती है जिनको आसानी से बेचा जा सकता है, कैश हो गया या किसी और बैंक में ही अपना पैसा जमा करा देना, ये भी एक तरल संपत्तियों का ही रूप है। तो इन तरीके से वो बैंकों को अपनी कुल जमाओं का तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। सर ऐसा क्यों आरबीआई ने किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंकों के ऊपर अचानक से दबाव आने लग जाता है पैसों निकालने का। ऐसे में अगर जब अचानक से दबाव आता है और अगर उनके पास वो कैश नहीं रहा, अगर तरल संपत्तियों के रूप में नहीं रहा, तो ऐसे में बैंक कहाँ से पैसा ला करके देगा अपने कस्टमर्स को। तो इसीलिए आरबीआई ने ये कंपलसरी किया हुआ है, ये मैंडेटरी है कि उनको कुछ भाग तरल संपत्तियों के रूप में रखना जरूरी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब अचानक कस्टमर आए, अचानक मान लीजिए कस्टमर आ गए बहुत सारे अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन जिनको उधार दिया है वो तो एक साथ आएंगे नहीं कि हमारा पैसा जमा कर दो, है ना। तो जो अचानक आ गए मान लीजिए डिपॉजिटर्स कि हमारा पैसा हमें दो, तो ऐसे सिचुएशन में बैंकों के पास पर्याप्त कैश हो, पर्याप्त संपत्तियां हो उनको अपना कैश प्रोवाइड करवाने के लिए। आगे देखते हैं बैंक रेट के बारे में। अभी हमने एक बार अभी देखा था रेपो रेट, जिसमें हमने देखा था कि जब आरबीआई लोन देती है बैंकों को तो वो रेपो रेट कहलाती है, कि जहाँ पे आरबीआई जिस रेट से उन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है उस लोन पे, वो रेपो रेट हो गई। अब कई बार आरबीआई लंबे समय के लिए लोन देती है, जैसे 1 साल, 6 महीने, 2 साल बैंकों को, तो ऐसे में वो जिस रेट से इंटरेस्ट लगाती है वो कहलाती है बैंक रेट। यानी वापस क्या, आरबीआई ने बैंक को कुछ लोन दिया जो कि 1 साल का था, उस पर जो ब्याज दर लगती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंटरेस्ट रेट जो है वो कहलाती है बैंक रेट, ठीक है। अब बात करते हैं MCLR की, इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। अब सर ये क्या होती है, देखिए आरबीआई ने ये डिसाइड किया हुआ है कि बैंकों को ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि आपको मिनिमम इतना रुपया तो, इतना परसेंटेज तो उधार पे ऋण चार्ज करना ही है, यानी ये एक न्यूनतम उधार की दर है जिसके नीचे बैंकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है, यानी एक मिनिमम परसेंटेज है, एक मिनिमम रेट है जिसके नीचे बैंक ऋण नहीं दे सकता, आपको MCLR के ऊपर ही उस पर चार्ज करना पड़ेगा, बैंकों को MCLR के ऊपर ही चार्ज करना पड़ेगा, चाहे फिर वो MCLR वो लिख देते हैं MCLR प्लस 1%, इस तरीके से वो लिख देते हैं, यानी MCLR जो होगी, जो RBI समय समय पर डिसाइड करता रहता है, वो MCLR प्लस 1% हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अब MCLR कोई भी हो सकती है जो RBI डिसाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे उसने लिख दिया MCLR प्लस 2%, तो जो MCLR होगी उस पर हम 2% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो ये इस तरीके से बैंक डिसाइड करता है। यानी कि ये क्या हो गई, RBI के द्वारा एक मिनिमम रेट डिसाइड कर दी जाती है कि आप इससे कम चार्ज नहीं करोगे कस्टमर से, इससे कम अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो ये हमारे दिशा निर्देशों की अवहेलना होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में अभी प्रेजेंटली क्या क्या रेट चल रही है। तो हमने सबसे पहले देखा था CRR, वो अभी चल रहा है 4%, SLR जो है वो चल रहा है 18.25%, आप इसे RBI की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.gov और आगे साइड .in है, ठीक है, तो इस पे आप जाकर के ये देख सकते हो, और एक बार और आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। रेपो रेट जो हमने देखा था, जिसपे जो RBI जो लोन देती है और जो बैंकों से जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसकी रेट क्या है, 5.15%, और जो RBI इंटरेस्ट देती है वो है 4.90। अब यहाँ हमेशा एक चीज़ याद रखना कि RBI जो इंटरेस्ट लेती है, ये RBI लेती है और ये RBI देती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बैंक देती है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे RBI क्या करती है, ये RBI देती है, रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट देती है, यानी कि 4.90% से इंटरेस्ट देती है और 5.15 से लेती है। तो कोई भी हो, आपको कम परसेंटेज से ही देगा और ज़्यादा से ही लेगा, तभी वो कमा पाएगा, ठीक है। बैंक रेट क्या हुआ, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट देना हो, बैंकों को जब लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय अवधि के लिए पैसे चाहिए हो, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और MCLR मिनिमम रेट ये वेरी करती है, अभी 7.65 से लेकर के 8% तक है,
और ये वेरी किस पे करती है, ये पीरियड पे वेरी करती है, यानी कि 6 महीने के लिए कितना होगा, 1 साल के लिए कितना है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरीके से ये अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग रहती है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।